हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो प्रैक्टिस का पार्ट बाकी है वो कंप्लीट करके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो मैं गगन कपूर और हम पढ़ रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन। टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने आपको बताया था कि अब चेंज ऑफ मेथड चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट माना जाता है, और AS 5 कहता है कि आप इसके लिए प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट करेंगे। कोई पुरानी कैलकुलेशन, कोई पुरानी रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें सिंपल एसेट्स अकाउंट था। आज हम क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम प्रोविजन को साथ में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास बुक है भूषण कुमार गोयल, और मैंने आपसे बार बार कहा है कि बुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट समझ के आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पेपर किसी भी बुक से नहीं बनता। इसीलिए कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होता है जब हम बुक से बाहर आकर के कंसेप्ट सीखते हैं। तो आइए मेरे साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 18। एबीसी लिमिटेड परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 सेकेंड हैंड प्लांट फॉर 30,000, इमीडिएटली स्पेंड 20,000 इन इट्स ओवरऑलिंग। ओके, पहले हम नीचे पढ़ेंगे। नीचे लिखा है शो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 15 to 18। इससे यह पता चला कि एक तो ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं जनवरी टू दिसंबर, और दूसरा ये ग्रॉस मेथड है। ग्रॉस मेथड मतलब जहां एसेट अकाउंट और प्रोविजन अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट बनते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2015 वी परचेज प्लांट। तो हम लिखेंगे मशीन नंबर 1 फॉर 30,000 एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स ओवरऑलिंग। तो ये 30,000 प्लस 20,000। एएस कहता है गगन जब तक एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता उससे पहले के सभी कॉस्ट आप उसकी कॉस्ट का पार्ट मान के चलेंगे। नेक्स्ट, ऑन 1 जुलाई 2015 एडिशनल मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000 वॉज परचेज। तो हमने 1 जुलाई को एक और मशीन परचेज कर ली एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000। उसके बाद क्वेश्चन कहता है गगन सीधा 1 जुलाई 2017 को, यानी 15 में कोई फर्दर ट्रांजेक्शन नहीं है, 16 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो हम पहले 15 16 का डेप्रिसिएशन लगाएंगे फिर आगे चलेंगे। डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है, और 2018 में कंपनी इस मेथड को चेंज करेगी। तो अभी क्या करना है, अभी डेप्रिसिएशन लगाना है। बताओ जी, 31 दिसंबर 2015 को 10% SLM मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है मशीन 1 और मशीन 2, ठीक है। हमारी मशीन 1 की कॉस्ट थी 50,000, तो उसका 10% हो जाएगा 5,000। मशीन 2 की कॉस्ट थी 25,000, तो उसका 10% हो जाएगा 2,500, लेकिन वो हमने हाफ ईयर यूज किया है, तो 2,500 का भी हाफ करो, 1,250। December 31, 2015 को यहां पर लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2, और यहां पर 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 1 मशीन 2, 5,000 एंड 1,250। सिमिलरली हम इसे भी यहां पर क्लोज कर देंगे 31 दिसंबर 2015 को, या लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन मशीन 1 मशीन 2, 50,000 25,000, ठीक है। जब मैंने आपको प्रोविजन पढ़ाया था तो मैंने कहा था इस मेथड में एसेट अकाउंट अलग रहेगा, प्रोविजन अकाउंट अलग रहेगा, एसेट अकाउंट में कॉस्ट कंटिन्यू चलती रहेगी और प्रोविजन के अंदर डेप्रिसिएशन इकट्ठा होता रहेगा।
एक गाना आपको बताया था, पुराने जमाने का गाना है, अगर आपको रिकॉल हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, ठीक है। तो 1 1 2016 को यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन वन मशीन टू, कीजिए बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये डेप्रिसिएशन चैप्टर की प्रॉब्लम ये है कि ये रिपीटिटिव होने के कारण ना थोड़ा सा यहां पर ये स्लो हो जाता है, बोरिंग हो जाता है कि हम इस स्टेप्स को बार 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 रिपीट करते हैं। तो 2016 में भी कुछ नहीं हुआ था, सिंपली बैलेंस कैरी डाउन कर दीजिए मशीन वन मशीन टू। वन वन सेवनटीन को मशीन वन मशीन टू, 2016 को एसेट अकाउंट में हमने कंप्लीट किया, डेप्रिसिएशन में और कंप्लीट कर देते हैं। डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीन वन मशीन टू, अब फुल ईयर का लगाएंगे, एसएलएम मेथड है तो फर्स्ट ईयर में कॉस्ट पे 5000 और यहां पर भी फुल ईयर का कॉस्ट पे 7500 और 31 दिसंबर 2016 को बैलेंस कैरिड डाउन मशीन वन मशीन टू, मशीन वन का तो हो गया 10000 और मशीन टू का हो गया 3750। 1 1 17 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन वन मशीन टू 10000 3750। नाउ 17 तक हमने क्या किया, हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एसेट को एसेट के अंदर लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, बस। अगर ये प्रोविजन ना होता तो ये डेप्रिसिएशन हमारे एसेट अकाउंट में होते, बस। तो सिंपल है, अलग अलग रख लेना है, रख लिया। अब ऑन 1 जुलाई 2017 सिक्स मंथ के बाद प्लांट परचेज ऑन 1 जनवरी 2015 यानी प्लांट नंबर वन बिकेम ऑब्सोलीट एंड वॉज सोल्ड फॉर 20000। वो कह रहे कि हमने प्लांट नंबर वन को सिक्स मंथ के बाद 20000 में सेल कर दिया। तो सबसे पहले तो मैं क्या काम करूंगा, मैं 1 जुलाई 2017 तक इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, 50000 की कॉस्ट है, 10% का रेट है, पीरियड ऑफ यूसेज है सिक्स मंथ्स, ओके। अब मशीन वन का टोटल डेप्रिसिएशन हो गया है 10000 प्लस 2500 12500। अब क्या होगा, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि जब हम एसेट्स को सेल करते हैं इस मेथड में तो मेरे पास दो ऑप्शंस होती हैं, क्या मैं एसेट सोल्ड अकाउंट बनाऊं या मैं एसेट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाऊं। जब हम प्रोविजन मेथड में एसेट को सेल करते हैं तो या तो हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट नहीं बनाएंगे या फिर हम एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, मेरे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। आइए जी, पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाए तो क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चों को लगता है सर एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा लेंदी हो जाता है, आपको दो ट्रांसफर करने पड़ते हैं, बताओ क्या। अगर आपने ये बनाया तो आपको दो ट्रांसफर करने हैं, एक तो कॉस्ट का ट्रांसफर लेके आना है और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर लेके आना है। ये आपको एसेट्स अकाउंट से लेके आना है और ये आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लेके आना है। ये दो काम आपको करने हैं अगर आपने एसेट सोल्ड अकाउंट बनाया है तो, ठीक है। मैंने बनाया है तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने बनाया है तो पहले मैं एसेट अकाउंट में जाऊंगा और यहां पर रेड कलर से लिख के दिखा रहा हूं, स्टेप नंबर वन, मैं बाय प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट मैं कॉस्ट की ट्रांसफर कर दूंगा, यहां पर ले आया टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट 50000, कॉस्ट को एसेट अकाउंट से यहां ट्रांसफर कर दो। स्टेप नंबर टू, वन
7/2017 को टू प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट, आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रांसफर करना है 12,500, यह आ जाएगा 1/7/17 को बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि हमारे इस अकाउंट के अंदर यह WDV आ गई, इसकी 37,500 उसकी WDV है, ठीक है। तो आपने ऐसे एरो वेरो कुछ नहीं दिखाने, अब आप यहां पर दिखाओगे बाय बैंक सेल 20,000 में आपने सेल कर दिया, और बाय P&L लॉस 17,500 का आपको लॉस हो गया, गॉट इट। खत्म। सर दूसरी ऑप्शन ये होती है कि हम एसेट सोल्ड अकाउंट ना बनाएं, दूसरी ऑप्शन ये है, अब आपको बता रहा हूं। सेकंड ऑप्शन ये है कि सर मैं ये वाला अकाउंट नहीं बनाऊं तो क्या होगा, तो फिर आपको इस अकाउंट की जगह एसेट्स अकाउंट से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब सर अगर मेरा काम एसेट अकाउंट बनाने से चल रहा था तो फिर मैं एसेट सोल्ड बना के काम क्यों बढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन कभी कभार स्पेसिफिकली पूछेगा अगर एसेट सोल्ड अकाउंट बनाना जरूरी है, आपने सीखा नहीं होगा तो आप गलती कर दोगे। आपको लगता है हमेशा सर शॉर्टकट तरीका अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर जो पूछेगा वो करना पड़ेगा। हमें लगता है एसेट सोल्ड अकाउंट बनाना अच्छा है, 2 मिनट ज्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं आप सीखिए, लेकिन अगर जरूरी नहीं है सर, टाइम की कमी है तो मैं बचा लूं समय, बचा लो। अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड अकाउंट नहीं बनाता तो एसेट अकाउंट से काम करूंगा, एसेट अकाउंट से काम करूंगा तो भाई कॉस्ट को कहीं ट्रांसफर ले जाने की जरूरत नहीं है। उस केस में अब मैं आपको ग्रीन पेन से करके दिखाता हूं, उस केस में मैं कॉस्ट की ट्रांसफर नहीं करूंगा लेकिन इसकी ट्रांसफर करूंगा एसेट्स अकाउंट में, ठीक है। ये एंट्री यहां पर अब नहीं आएगी। अगर मैं एसेट सोल्ड अकाउंट नहीं बनाता तो कैसे होगा वो बता रहा हूं, तो फिर यहां पर आता बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब फिर मैं यहां पर देख लेता कि सर ये देखो ये WDV यहां बन गई, उसके बाद मैं यहां पर दिखाता वही एंट्री बाय बैंक जो मैंने सेल किया 20,000, और यहां दिखा देता बाय P&L लॉस ऑन सेल 17,500, गॉट इट। तो मैंने आपको दोनों रिवाइज कराए कि डिस्पोजल बनेगा तो कैसे होगा, डिस्पोजल नहीं बनेगा तो कैसे होगा। तो अब हम वापस चलते हैं, और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप अलग मेथड, सॉरी अलग अकाउंट बनाइए, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला था ये वाला पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, ओके। नाउ तो आपने यहां पर सीखा कि सर एसेट को परचेस किया एसेट अकाउंट में रख दिया, डेप्रिसिएशन को हमने डेप्रिसिएशन अकाउंट में रख लिया, अब ये दोनों अलग अलग थे, जब एसेट को सेल करना था इन्हें एक स्पॉट पर कंबाइन किया, सेल किया और प्रॉफिट लॉस निकाल दिया। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, बार बार नहीं बताएंगे। अब वो कह रहे हैं ऑन दैट डेट न्यू मशीनरी वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 60,000, तो आपने एक न्यू मशीनरी और इस दिन परचेज कर ली, टू बैंक मशीन 3 60,000। December 31 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन आपके पास मशीन टू और मशीन 3 25,000 60,000। 1/1/18 को $25,000 60,000। अरे ये हमने कहां लिख दिया, सॉरी मैंने इसको, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपको बता भी रहे थे लेकिन आपको इतनी जल्दी हो रही थी लिखने की, अब दोबारा काट के दोबारा लिखिए। मैंने एसेट अकाउंट की एंट्रीज प्रोविजन अकाउंट में लिख दी हैं, एसेट अकाउंट तो यहां था।
तो यहां लिखूंगा 1717 को टू बैंक मशीन नंबर 3, ठीक है, और 31 दिसंबर को बैलेंस कैरी डाउन मशीन 2 मशीन 3, 25,000 60,000। क्योंकि क्वेश्चन 2018 में भी जा रहा है इसलिए 1118 को बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन 2 मशीन 3, ठीक है। इसमें ब्रेन का काम नहीं है, लेबर का काम बहुत ज्यादा है और कुछ नहीं, पर हम तो एग्जाम में खुश होते हैं कि चलो शीट भर रही है लेकिन हमें आता तो है, मार्क्स तो मिल रहे हैं। चलिए जी, अब 31 दिसंबर 2017 को पहले हम चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन मशीन 2 मशीन 3 पर। मशीन 2 पर होगा 2500 और मशीन 3 पर हाफ ईयर का होगा 3000, ये टोटल होगा 5500। December 2017 को डेप्रिसिएशन का बैलेंस सीडी 2 और 3। अब 2 का बैलेंस हो जाएगा 3750 प्लस 2500, वेयर इज माई कैलकुलेटर, 6250, और ये मशीन 3 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 3000, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा स्पेस बनाते हैं और 2018 में क्या हो रहा है, इन 2018 कंपनी चेंज दिस मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन टू 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब यहां पर 1 जनवरी 18 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन नंबर 2 और मशीन नंबर 3, December 31 को बाय डेप्रिसिएशन मशीन 2। अब न्यू मेथड से डेप्रिसिएशन लगेगा, तो न्यू मेथड में मेरी मशीन 2 की जो कैरिंग अमाउंट है वो है 27,000 माइनस 6,250। कॉस्ट में से जो मेरा ओपनिंग डेप्रिसिएशन था वो माइनस करूंगा तो मेरी WDV आएगी इनटू, क्वेश्चन कह रहा है कि आप WDV अब लगाएंगे 15% के रेट से इनटू 15%। 25,000 की कॉस्ट थी, WDV मेथड कहता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट पर नहीं लगेगा, कैरिंग अमाउंट पर लगेगा, रिटर्न डाउन वैल्यू पर लगेगा, उसके लिए कॉस्ट में से आपको जो आज तक का डेप्रिसिएशन था वो माइनस करना पड़ेगा। 25,000 माइनस 6250 18,750, इसका 15% 2812.5, तो ये हो जाएगा 2813, 2813। सर मशीन 3 का, मशीन 3 की कॉस्ट थी 60,000 और उसका डेप्रिसिएशन था 6,000, इसका 15% फुल ईयर के लिए, तो 60,000 माइनस 3,000 इंटू में 15% 8,550। और फिर यहां पर 31 दिसंबर 18 को आप दिखाओगे टू बैलेंस क्रेडिट डाउन मशीन 2 मशीन 3, मशीन 2 का 6250 था प्लस 2813, 3 5 प्लus 1 6, 8 and 2 10, 7 and 2 9, और इसका था 3000 प्लस 8550 11,550, 3620। ओके, ये हमने एक क्वेश्चन किया, इसमें हमने देखा कि सेल्स में कैसे करना है, चेंज ऑफ मेथड में कैसे करना है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी इसमें जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप फ्लुएंट खुद बनेंगे, मेरे करवाने से नहीं हो पाएगा। आइए जी एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
कि गगन जो तुम्हारा पिछला मेथड था उसमें आप एसएलएम से डब्ल्यूडीवी गए थे, यहां डब्ल्यूडीवी से एसएलएम जाना है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन में तो सर ये हेडिंग दी हुई होती नहीं है, तो हम इस हेडिंग को क्यों पढ़े, इसको इग्नोर करके आगे चलते हैं। बुक में दी होती है सर, दिखाई दे जाती है, क्या करें, तो इसकी आदत मत डालना। स्टूडेंट क्या करता है, इन हेडिंग्स को पकड़ता है कि सर ये नहीं किया वो नहीं किया। अरे छोड़ो, खुद से करो, सिचुएशंस को खुद से समझो। ऐसी ब्लैक बोल्ड हेडिंग्स बनाने लगेंगे तो अकाउंट्स में पता नहीं कितनी हेडिंग बन जाएंगी। अकाउंट्स में कंसेप्ट को समझिए और फिर क्वेश्चन बनाइए। सर क्वेश्चन बनवाओ, देखो इस क्वेश्चन में खास बात है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो। चलो, एसएस ट्रेडर कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2015 व्हेन दे परचेज मशीनरी फॉर 7 लाख। 2015 में स्टार्ट किया था, मशीनरी परचेज की थी 7 लाख की, ओके। दे अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ चार्जिंग 15% डेप्रिसिएशन ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये लाइन तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकंड पॉइंट में वो क्या कह जाता है, कहता है चार्जिंग फुल ईयर डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये गड़बड़ है। अगर आप एसेट परचेज करके लाए हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो जितना पीरियड आपने यूज किया है उतने ही पीरियड का आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, ओके। लेकिन ये कह रहा है कि ना, जो रूल होता है उसको भूल जाओ। क्वेश्चन कह रहा है, जो मैं कह रहा हूं वो फॉलो करो। वो कह रहा है कि आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एडिशंस पर, चाहे वो आपने 1 महीने के लिए यूज किया हो, 6 मंथ के लिए यूज किया हो, 10 मंथ के लिए यूज किया हो, 9 मंथ के लिए यूज किया, फुल ईयर का डेप्रिसिएशन लगाइए, ओके। ओवर द ईयर परचेज ऑफ मशीनरी हैव बीन, ये तो आपने 15 में परचेज की थी, 2015 में जो आपने परचेज की थी वो आपने 7 लाख रुपीस की परचेज की थी, ओके। 2016 में आपने परचेज की थी 150 की, और 2018 में भी आपने परचेज किया 2 लाख की। ऑन 1st of January 2018 इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू 10% SLM। वो कह रहे 15% डिमिनिशिंग से 10% SLM पर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018। वो कहता है गगन 2015 से शुरू मत करना, सीधा 2018 के ऊपर आ जाओ। मैंने कहा भला ये क्या कह दिया तुमने। इलस्ट्रेशन नंबर 19, ठीक है, वो कह रहा है गगन एक तो बनता है मशीनरी अकाउंट जो कि बनता है कॉस्ट पर, कह रहे गगन सीधा सीधा 1 जनवरी 2018 को बनाओ। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन वन मशीन टू। मशीन वन कितने की थी, 7 लाख की थी, मशीन टू थी 1,50,000 की, और करंट ईयर में आपने 30th 9 को एक मशीन परचेज की है, मशीन थ्री, जो कि 2 लाख की है। आपने कोई मशीन सेल नहीं की है, तो 31st दिसंबर को ये बैलेंस सीडी बन जाएगा, क्योंकि एसेट अकाउंट में तो सिर्फ मशीन की कॉस्ट चलती है। सर ऐसे कैसे इतनी आसानी से आप बना लेते हो, हमें तो सोचने का टाइम भी नहीं मिल पाता। प्रैक्टिस करोगे तो ये आपसे भी होगा। लो, दूसरा अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में 1 जनवरी 2018 को यहां आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मशीन वन मशीन टू। बस क्वेश्चन में इसको निकालना है। मेरे पास दो तरीके हैं इसको करने के। कैलकुलेशन ऑफ
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन वन मशीन टू, ठीक है, मशीन वन मशीन टू। 2015 में आपने मशीन वन परचेज की थी 7 लाख की, इस पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 15%। वन लैख 5,000 वैल्यू बच गई आपकी 5,95,000। 2016 में फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे 89,250, फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसी पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। यह आ गया 75,863, 4,29,887। गॉट इट? तो एक तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 1,05,000, एक डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ 89,250 और एक हुआ 75,863। ये टोटल होगा 2,70,113। वर्किंग नोट नंबर 1। सिमिलरली मशीन 2 पे बात करते हैं। मशीन 2 आपने 2016 में परचेज की थी 1,50,000 की, ये हो गया 22,500, 127,500, 19,125। तो 22,500 प्लस ऑल्टरनेटिवली मेरे पास एक स्मार्ट वे है। WDV मेथड में आप फर्स्ट डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर लो, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके नेक्स्ट ईयर का होगा इनटू 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे मैं बताता हूं, मशीन वन का पहला डेप्रिसिएशन था 1,05,000, अगला 2016 का जो होगा वो होगा 1,05,000 का 85%, क्योंकि 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो आप चेक कर सकते हो 1,05,000 का 85%, 89,250। और जो उसका अगला डेप्रिसिएशन होगा वो पिछले डेप्रिसिएशन का 85% होगा। यानी पहला डेप्रिसिएशन निकालो, अगला डेप्रिसिएशन पहले डेप्रिसिएशन का 85%। 85% कैसे आया? 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। सर उसके अगले साल का पिछले साल के डेप्रिसिएशन का 85%। सर हम कोई CA फाउंडेशन के बच्चे हैं, जो हमें मैथमेटिक्स याद रहेगा? मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं याद रहेगा तो फिर आप सिंपल कैलकुलेशन से करना। अब सर उन्होंने मेथड चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मेथड 1 जनवरी को चेंज किया तो कोई दिक्कत नहीं।
हम 1 जनवरी को कुछ भी नहीं करेंगे, 31 दिसंबर को अपना डेप्रिसिएशन जैसे लगाते हैं वैसे लगाएंगे। सर अब मेथड हो गया स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड WDV से SLM हो गया, तो WDV मेथड की जो भी कैरिंग अमाउंट आई है उसी कैरिंग अमाउंट को अब आपने कॉस्ट मानना है और उसी के ऊपर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपने अप्लाई करना है। तो सर हमारे कैरिंग अमाउंट आ गए 4,29,887 और 1,08,375। जिन्हें ये भी ना समझ में आए कि सर ये कैसे आ गए, तो भी सिंपल है, यहां देखिए, ठीक है, इस 7 लाख में से ये माइनस करोगे तो मशीन वन का कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 7 लाख माइनस 2,70,113, 4,29,887। तो मशीन वन का जो डेप्रिसिएशन होगा वो कैरिंग अमाउंट का 10%, 42,989। मशीन टू का जो डेप्रिसिएशन होगा 1,50,000 माइनस 41,625, इसका 10%, 10,838। और मशीन थ्री का डेप्रिसिएशन होगा 2 लाख का 10%, 6 मंथ्स के लिए, ये हो जाएगा 10,000। थ्री लैख 11,738 प्लस 42,989 प्लस 10,838 प्लस 10,000, 3,75,565, ठीक है। जानते हो हमने क्या मिस्टेक कर दी? क्वेश्चन में लिखा था कि गगन हम एसेट जब मर्जी परचेज करें, आपने डेप्रिसिएशन फुल ईयर का चार्ज करना है। जानते हो यही मिस्टेक एग्जाम में हमसे हो जाती है, ये होगा। और ऐसे क्वेश्चन की यही प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये मिस्टेक करवाते हैं। चलिए ये आप करके इसे कंप्लीट कीजिएगा। तो यहां पर हमारा डेप्रिसिएशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपने जितना प्रैक्टिस करनी हो इस चैप्टर से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम में इस चैप्टर का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, पढ़ते हुए ये डेफिनेटली आपको बोर करेगा लेकिन एग्जाम में आपको मार्क्स देके जाएगा। जानते हो अदर क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आएंगे? ब्रांच पेन करेगा, डिपार्टमेंट पेन करेगा, समझ में आया, एनपीओ पेन करेगा। एक यही है जो बोर करता है मगर पेन नहीं करता, तो इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। टाटा, बाय बाय, सी यू।